नमस्कार, वेलकम बैक टू फूडीज। आप सब लोगों को शेफ दिवोय की तरफ से हैप्पी दशहरा। और आज बुराई पे हुई इस अच्छाई की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हम बनाएंगे कुछ मीठा, और वो है मूंग दाल का हलवा। चलिए आइए देखते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इंडक्शन ऑन करेंगे। इंडक्शन को ऑन करने के बाद आपकी कढ़ाई फिर गर्म हो जाएगी, तो हमने अपना ग्रेवी भी डाला। जैसे कि इस हलवे को बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज जो मिट्टी को भूनना बहुत वक्त वाला काम है, जिसके अंदर आपको कंटिन्यूस स्टिरिंग करनी पड़ती है। अगर आपने एक भी समय आपने छोड़ दिया, आपका ध्यान हटा, आपकी मिट्टी जल जाएगी। इसलिए आपको ये टिप है आप सब लोगों के लिए, आपने अपनी मिट्टी को भूनना है ऑन अ वेरी स्लो फ्लेम, ऑन अ वेरी लेस टेम्परेचर। देख सकते हैं देसी घी जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हम अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है हमारी मूंग दाल की खिचड़ी। बेसिकली जो भूनने का पर्पस होता है यही होता है कि हमने पिट्टी का जो इतना पानी है सुखाना है, और उसके बाद अब इसको भूनना है। आपकी पिट्टी का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर चेंज हो गया तो आपका जो टेक्सचर है वो थोड़ा प्रॉपर नहीं आएगा। अभी देख रहे हैं आप इसको स्टिक कर रही है, जब ये भूनी जाएगी तो ये अपने आप ऑयल लीव करेगी, तो वहां से एक टिप है जो आपको साइन है कि मतलब आपकी जो पिट्टी है वो भून गई। आप देख सकते हैं हमारे को 25 मिनट्स हो गए हैं इसको भूनते हुए, और जो पिट्ठी ने अपना जो घी छोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं इसका बॉटम भी लग रहा है, और पहले चिपक रही थी, अभी इजीली स्टर हो रही है। तो टाइम आ गया है हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट डालने का, जो कि है मिल्क। अब मिल्क डालेंगे। डालने के बाद इसको आपने स्टर कर लेना है। आप स्टर नहीं करेंगे तो इसके लम्स बनने के चांसेस हैं, तो वो नहीं होने देना हमें, तो अच्छी तरह से आपने स्टर कर लेना है। फिर दोबारा से इसमें दाने दाने नजर आने शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे मिल्क अब्सॉर्ब हो जाएगा इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, फिर दोबारा एक ही छोड़ेगा, और उसके बाद हम अपना फाइनल इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो कि है हमारा शुगर। शुगर से आपको बहुत ही खूब स्वीटनेस मिलेगी, शुगर सारी अब्सॉर्ब हो जाएगी, फाइनली जो आपका हलवा है वो रेडी हो जाएगा, और उसके बाद फिर हम गार्निशिंग करेंगे। आप देख सकते हैं जो शुगर ने वाटर सारा अब्सॉर्ब कर लिया है, और वो शुगर भी पक चुकी है। अब हम अपना जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारे ड्राई फ्रूट्स, वो डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स से इसको बहुत ही क्रंची फ्लेवर मिलेगा। आप ड्राई फ्रूट्स अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। हमने तीन ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, इसमें आलमंड्स, रेजिन्स एंड कैशू। अब इसमें अपने अकॉर्डिंग जो आप खाते हैं, जो आप प्रेफरेबल करते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट जो हमारा हलवा है वो रेडी है। और एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, जैसे कि खोआ, वो भी हम इसमें यूज करेंगे। और डालने के बाद इसको करेंगे। वो एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप नहीं डाल सकते। तो इसमें हार्डन पास रूल नहीं है कि आपने खोआ डालना नहीं डालना। आप देख सकते हैं हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। ये मूंग हलवा अब तैयार है, और अच्छी अच्छी रेसिपीज जानने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए फूडीज़।